मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा है डे 204। और कल रात अभी मैं मंडी में पहुंच चुका हूं। मंडी एक सिटी है हिमाचल प्रदेश का, तो उससे 2-3 किलोमीटर सिटी, मेन सिटी से 2-3 किलोमीटर पीछे है। रात में कल, मतलब रात में क्या, कल इतना ज़्यादा हर जगह पर बारिश हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इधर उधर जहाँ जाए वहीं बारिश शुरू हो जाए, इसी वजह से रुकने का जगह नहीं मिल रहा था। रात में देखिए कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा था पूरा इस एरिया में, और जगह नहीं मिला था। तो यहाँ पे एक दुकान था, तो दुकान रात में बंद था, तो दुकान के पास ही अभी तो दुकान लग गया है, यहाँ पे दुकान बंद था, ये सब ही था। तो यहाँ पे बिछा करके टेंट लगा करके सो गए थे। अभी हमारा बाइसिकल रेडी है, सब सामान लोड कर दिए हैं। कपड़ा वपड़ा अभी भी नहीं सूखा है, ये जूता भी गीला है अभी इस पर रखे हुए। तो चलिए अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे नाम का नाम लेते हैं, अपने राइड को कंटिन्यू रखते हैं। पहले कहीं जाके फ्रेश फ्रेश होने का जगह देखना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। राइड को मैंने कर दिया है स्टार्ट, और एक पब्लिक टॉयलेट वाला बाथरूम वगैरह मिल गया था, तो वहाँ पे फ्रेश फ्रेश हो गया। इस तरह से कभी कभी मिल जाता है तो काम चल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक नदी साथ साथ में चल रही है, मंडी एक डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी भी है। देखिए ये हिमाचल प्रदेश के मंडी सिटी में ये नदी देखने के लिए मिला है। एक पेट्रोल पंप मिल गया था, तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे पानी वानी कहाँ से, तो देखिए पेट्रोल पंप कहीं मिल जाता है तो वहाँ से पानी भर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नल लगा हुआ है ठंडा पानी का, तो मैंने भर लिया बोतल, तीनों चारों बोतल में भर लिया है। और चलते हैं अब, कहीं पहाड़ों से भर लेते हैं, कहीं पेट्रोल पंप से, इस तरह से काम चल जाता है। भाई ये बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, बीच में पानी जमा हुआ था और मुझे पता नहीं चला। ये देख सकते हो पूरा, एक तो पैर कटा कि बचा पता नहीं, लेकिन बैग जो है पूरा गिर गया, पानी में पूरा भीग चुका है, देखना पड़ेगा अब। ब्यास नदी बह रही है अपने इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ में, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। और वहाँ पे नदी का दो कलर हो जाता है, यहाँ पे ब्यास नदी प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। शाम के 5:30 हुआ है, अभी हम कुल्लू को पार कर रहे हैं, लगभग कुल्लू में पहुंच गए हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है कि कुल्लू को पार कर रहे हैं, और मनाली का डिस्टेंस लगभग यहाँ से 60-70 किलोमीटर है, तो देखिए कब तक चल पाते हैं। तो चल ही रहे हैं अभी, और यहाँ का नज़ारा देखते ही चल रहे थे, अच्छा है। बाकी कुछ दूर ऐसा नज़ारा मिला है जैसे कि उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह होता है वैसा, तो ठीक ही है। और साथ साथ में ब्यास नदी बह रही है साइड साइड में, तो चलते रहते हैं। कपड़ा वपड़ा था वो कुछ देर रुक करके सुखा लिए थे, और इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का भी रास्ता है, चलते रहते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। राइडिंग थोड़ा कल ज़्यादा करना है। क्या नज़ारा है भाई चारों तरफ का, बहुत मस्त, देखो तो सही। पुल पे आए हैं और यहाँ से दोनों तरफ बगल बगल में पहाड़ है, और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये देखो मंडी, चंडी, दिल्ली, मनाली, वाह 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 क्या बात है। एक कार में रॉन्ग साइड में आ जाता है कभी कभी। अभी एक बोर्ड मिला था, बोर्ड में लिखा था
57 किलोमीटर मनाली 57 किलोमीटर, कुल्लू अभी पहुँचे नहीं हैं, कुल्लू अभी नहीं पहुँचे हैं शायद। कुल्लू का डिस्टेंस 15 किलोमीटर आ गया अभी। भाई साहब ये जो नज़ारा है ना, क्या मैं बताऊँ। उधर तो सूरज भगवान जो है एकदम पर्वत की नोक पर से निकला हुआ है, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में आएगा कि नहीं। देखिए जरा, देखिए क्या नज़ारा है, एकदम पहाड़ का ऊंचाई जो नोक है वहाँ से लग रहा है जैसे सूरज निकल रहा है अभी, लेकिन सूरज ढलने का वक्त हो चुका है, अभी तक ढला नहीं है। बहुत खूबसूरत यहाँ का अभी सीन आ रहा है, मस्त वाला। पीछे देखिए बैकग्राउंड मेरे, तो अभी हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं और नज़ारा खूबसूरत सा मिलने वाला है। देख सकते हैं घर कितना अच्छा है पीछे। दोस्तों चलते चलते हमें मिल गए हैं दो बाइक राइडर और मिल के बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे हैं भैया, क्या नाम है आपका भैया? मनोज नाम भैया मेरा। अच्छा आप कहाँ से हैं? रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा से? जी जी। अच्छा कहाँ का टूर आप कर रहे हैं? मैं लद्दाख का कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से होते हुए माता वैष्णो देवी वगैरह से उधर से आते हुए। एक्चुअली मैं रुका, मैंने आपका टूर देखा, शायद मैंने आपकी कोई शोर्स वगैरह देखी तो मेरे को एकदम क्लिक कर गया। यहाँ पे एक और भैया, आपका क्या नाम भैया? उमेश सैनी भाई, उमेश सैनी। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर यूपी। अच्छा चलिए भैया बहुत अच्छा, और नज़ारा तो बहुत अच्छा है। कुल्लू हम लोग पहुँच गए, भुंतर में भाई मिल गए हमें। कुल्लू हम लोग पहुँच गए हैं जी, कुल्लू यहाँ से बस 15 किलोमीटर है भुंतर का। अच्छा एक मिनट, ये कौन सा बाइक है भैया? ये हिमालय, हिमालयन, हिमालयन 450, हिमालयन 450। एक मिनट सेल्फी एक ले, पता नहीं बढ़िया। अच्छा ये कितना तक में, मतलब ऐसे कुछ जानकारी कितना इसमें? भाई ओनो 360 का पड़ता है, बाकी आरटी वगैरह 4 लाख। चार लाख का है ना, कितना सीसी का होता है ये? ये 450 cc। 450 4 लाख। आपका लगता है अभी नया ही है ना? हाँ ये अभी 4-5 दिन हुए हैं इसके लिए। भाई लद्दाख ले आया। अच्छा 350 cc सर्विस करा के रॉयल वालों को। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत है आपका बाइक, बहुत अच्छा लगा, लग रहा है जैसे बहुत प्यारा चीज़ है। अच्छा लुक भी अच्छा है आपका, सीसी भी बहुत अच्छा है। हमको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा सीसी का होता है उतना अच्छा होता है शायद ना। माइलेज कितना देता होगा पेट्रोल का? अभी तो ये 35 का दिखा रहा है। 35 एक लीटर में बस 35? ये तो काफ़ी, अगर ये 35 का दे रहा है मेरे को लगता है इनफ है। तो क्लासिक वगैरह भी 30-32 इस पे रोक देती है, और उसका 360 cc का इंजन रहता है, इसका 450 का। बढ़िया बढ़िया भैया, चलिए कभी हम भी ऐसा करेंगे। और एक भैया और हैं, इनका भी यही है? हाँ हाँ सेम। अच्छा आप लोग साथ में हैं? हाँ, हम ओ, तो आप यूपी से हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह का ड्रेस और इस तरह का बाइक।
देखो भाई साहब ये होता है बाइक का सेटअप। अरे जेब खाली होने से क्या होता है भैया, जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो सब नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बोलते होंगे भाई कैसे कर रहे हो भाई, मेरा भी सपना है भाई, घूमने निकल जाओ, क्या इतना पैसे बचा गए। सही बात है, हम तो बिना पैसों के निकल गए भैया, फिर भी चल रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक चल रहे हैं। दोस्तों तो अभी मुझे ये नदी मिला है और ये नदी का नाम मैप में दिखा रहा है पार्वती नदी। तो ये लो भाई, शाम का समय हो चुका है, 7 बज चुका है और ये मुझे पार्वती नदी देखने के लिए मिल गया। और इस नदी में राफ्टिंग भी होता है। कुल्लू हम पहुँच ही गए हैं, मतलब कुल्लू के एरिया में ही हैं, देख सकते हो पार्वती नदी। रात के अभी 10:30 बज चुके हैं और एक जगह मिल गया था, एक ढाबा मिल गया था, सब ढाबा तो बंद है, एक मिल गया, तो खाने के लिए आए तो पूछ लिए कि यहाँ पे कैंप कर सकते हैं, तो भैया ने परमिशन दे दिया और खाना खा रहे हैं। देखिए तो यहीं आसपास में खाली जगह है, कैंप करेंगे, सो जाएंगे। और ये भाई है, क्या नाम भाई आपका? विक्रांत। विक्रांत भाई है, सारा दुकान बंद हो चुका है अभी, यही है, तो खाना पीना खाएंगे और यहीं पे कैंप करके सो जाएंगे, फिर सवेरे से राइड को स्टार्ट करेंगे। अभी हम कुल्लू और मनाली के बीच में है ना, हवेली, ITBP हवेली, ITBP पवेली एड्रेस। तो खाना मैंने खा लिया और भैया ने पेमेंट नहीं लिया। देखिए क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजेंद्र, पशुपति ढाबा, ऑन द वे कुल्लू टू मनाली। कुल्लू से 5 किलोमीटर आगे पशुपति ढाबा, कभी भी आइए, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। जी जी, खाना तो बहुत अच्छा था। ओके थैंक यू। और भैया ने पैसा भी नहीं लिया, तो थैंक यू भैया। क्या पीजे हो, ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।